नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा शुक्रिया मोदी जी। ओम बिरला बने लोकसभा के नए स्पीकर, कांग्रेस ने भी किया नाम का समर्थन। सनी देओल की लोकसभा सदस्यता पर आया संकट, ईसी जारी कर सकता है नोटिस। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी नहीं हुई शामिल, ममता समेत पांच बड़े नेता का नाम आया सामने। साक्षी महाराज के शपथ लेने पर संसद में लगे मंदिर वही बनवाएंगे के नारे, बीजेपी सांसदों ने लगाए जय श्री राम वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे। चमकी बुखार से लोगों के अंदर फैली दहशत, लोग गाँव छोड़ने पर हुए मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और दीर्घ आयु बनाए। साथ ही मोदी के ट्वीट पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए लिखा है बधाई देने के लिए शुक्रिया मोदी जी, मैं उनकी सराहना करता हूँ। राहुल गांधी का जन्म आज के दिन 1970 में हुआ था। राहुल गांधी को उनके शुभचिंतक, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर #IAmRahulGandhi और #HappyBirthdayRahulGandhi #ट्रेंड करने लगे हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर एक वीडियो भी शेयर किया है। लोकसभा में आज सांसदों ने सदन के स्पीकर के तौर पर कोटा के बीजेपी सांसद ओम बिरला को चुन लिया गया है। ओम बिरला अब लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले स्पीकर के लिए संतोष गंगवार और मेनका गांधी का नाम सुर्खियों में था, लेकिन बीते मंगलवार को पीएम मोदी और शाह ने कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए नाम आगे किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन घटक दलों की 18 जून को बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में राजग उम्मीदवार ओम बिरला का समर्थन करने के लिए फैसला हुआ था। 56 वर्ष ओम बिरला बीजेपी की युवा शाखा से हमेशा से जुड़े रहे हैं। वो 2018 में बीजेपी राजस्थान इकाई के संगठनात्मक सुधार के प्रभारी भी थे। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल की लोकसभा सदस्यता पर अब खतरा मंडरा रहा है। सनी देओल पर लोकसभा चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में चुनाव आयोग को कुछ दस्तावेज मिले हैं। इस आधार पर चुनाव आयोग नोटिस जारी करने पर विचार भी कर रहा है। चुनाव आयोग को मिले दस्तावेज के मुताबिक सनी देओल ने चुनाव के दौरान 86 लाख रुपए खर्च किए, जबकि सीमा 70 लाख रुपए की है। चुनाव आयोग के अनुसार तय सीमा से ज्यादा खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग नियम के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार ज्यादा खर्च करके जीत भी गया तो बाद में खर्च सीमा के उल्लंघन की पुष्टि हुई तो आयोग कार्रवाई करते हुए जीते हुए कैंडिडेट की सदस्यता रद्द कर दूसरे नंबर पर रहे कैंडिडेट को विजेता घोषित कर सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और TRS पार्टी हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। TRS पार्टी के द्वारा आई जानकारी के मुताबिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामा राव बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोकसभा सत्र का दूसरा दिन सांसदों के शपथ लेने के दौरान कई तरह के नारों का गवाह बना। बीजेपी सांसद जय श्री राम वंदे मातरम और भारत माता की जय नारे लगाते रहे। यूपी के उन्नाव से लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद मंदिर वही बनवाएंगे के नारे लगने लगे। भगवा कपड़े पहने साक्षी महाराज ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। साक्षी महाराज ने अपनी शपथ में जय श्री राम शब्द जोड़ा था, जिसके जवाब में बीजेपी सांसद ने मेज को थपथपाकर और मंदिर वही बनवाएंगे के नारे लगाने शुरू कर दिए। साक्षी महाराज विवादित बयानों के लिए काफी जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग मुझे वोट नहीं दोगे तो आपको श्राप लगेगा। बिहार में फैले जानलेवा चमकी बुखार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते इस बीमारी के कारण 113 बच्चों की जान चली गई है।
अब ये खौफ इतना फैल गया कि लोग अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के मन में ये खौफ है कि कहीं उनके बच्चे भी इसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के अलावा वैशाली के कई गांव से भी लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। गांव में 6 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है। इसी गांव के चतुरी साहनी के 2 बेटे को ये बीमारी हुई। पहले बड़ा बेटा बीमार हुआ और फिर छोटा, और दोनों ने ही दम तोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर।